शिवाय, हर हर महादेव। आज का टॉपिक है जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को समझने के लिए अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दिए। जीवन वो है जो हम जिए नहीं, मृत्यु वो है जो सत्य है। जीवन वो है जो हमने जिया नहीं, मृत्यु वो है जो सत्य है। मृत्यु एक ना एक दिन आनी है। जीवन हम अच्छे से जी नहीं पाए, मृत्यु तो एक दिन आनी है। और मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है, इसी बारे में आज का टॉपिक है। पहले चरण में जब मृत्यु इंसान को आती है तो इंसान के पैर 5 घंटे पहले ठंडे पड़ जाते हैं। जैसे ही यमराज आते हैं और हमारे प्राण लेने के लिए, हमारे आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। हमारी आत्मा जो है शरीर छोड़ना नहीं चाहती। कई बार आपने देखा होगा कि आत्मा निकलने के बाद भी शरीर में आंखों में से आंसू आ रहे हैं, वो आत्मा पश्चाताप करती है, मोह करती है और मरने के बाद भी शरीर में समाई रहती है कि मुझे ये शरीर मिल जाए। लेकिन जो यम देवता हैं वो उस शरीर को नहीं देते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर वो शरीर परमात्मा से मिलके फिर से धरती लोक पे आ जाती है। 7 दिन तक वो जो है धरती पे अपने परिवारजन के पास रहती है, जिनसे वो प्यार करती है। अगर उनका बेटा है बेटी है, धन से प्यार करती है तो तिजोरी में विराजमान हो जाती है। 7 दिनों के बाद मृत्यु को ये लगता है, आत्मा को ये लगता है कि अब मेरा शरीर में कुछ नहीं बचा है। 7 दिन बाद वो परम धाम को जाने के लिए तैयार हो जाती है। इन 7 दिनों में हमारे जो किए कर्मों के अनुसार हमारी सजाएं मिलती हैं। पुनः जन्म का भी हम लोग खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इस जन्म में जो हम करते हैं उसी के हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है। अगले जन्म का एग्रीमेंट भी हम स्वयं करते हैं। जब 13वीं हो जाती है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जिस दिन 13वीं हो जाती है उस दिन आत्मा जो है परम धाम परमात्मा शिव जी में लीन हो जाती है। 47 दिन बाद जो है यमलोक पहुंच जाती है। 47 दिनों के बाद आत्मा का दूसरा चक्र, आत्मा वही है, आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना जला सकता है, आत्मा उसी स्वरूप में रहती है। ये समझ लीजिए कि अगर हम पुराने कपड़े पहन छोड़ दें और नए कपड़े पहन लें, आत्मा भी इसी प्रकार से करती है, पुराना शरीर छोड़ के नए शरीर में चली जाती है। जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता है। जो परमात्मा आत्मा होती हैं, परमात्मा जो महात्मा की आत्मा होती है, लाखों साल बाद जन्म लेती है। परमात्मा को जो शरीर चाहिए होता है, परम योनि चाहिए होती है। दुष्ट योनि के दुष्ट व्यक्तियों के लिए जो है जन्म में दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। मैंने आपसे बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें गुरु कौन सा धारण करना चाहिए, भगवान कौन से धारण करने चाहिए। भगवान हमें जो धारण करने चाहिए वो शिव जी धारण करने चाहिए। और देवों के देव महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, मृत्यु के देवता काल भैरव हैं। आज का टॉपिक यहीं तक। हर हर महादेव।